तो हुसैन जो है ये 16 मुहर्रम को पैदा हुए, तो इस वजह से भी उनका नाम हुसैन और अब्बास बनता था, तो नस्बत बनती थी, इसलिए फिर इनका नाम जब पैदा हुए थे तो इनको काला उनको आर्मी का ही शौक है। बचपन से मिलिट्री कॉलेज में गया, वहाँ से उसने मैट्रिक की और साथ ही सिलेक्ट हो गया आर्मी में, तो आर्मी का ही उसको शौक था। मुझे एक सब्जी वाला था, हम बहुत ही यूनिक किस्म का सब्जी वाला था जो गांव में आया करता था, वो कभी कभार हमारा घर खुलता था हम जा, तो वो आया ना तो मुझे कहता है बीबी जी मैंने क्या ख्वाब देखा है ना कि मैं कोटली शानी में आया हूँ, कोटली शानी हमारे गांव का नाम है ना, सब्जी लेके आया हूँ, तो मैंने देखा तो इधर इतने ज़्यादा फौजी हैं, इतनी ज़्यादा जो है ना इधर जो है ना मार भाड़ सी लगी हुई है, तो मैं पूछता हूँ कि ये क्या हो रहा है ना इस गांव में, तो वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। अब ये देखें कि वो सब्जी वाला था कहाँ मेरा बेटा और कहाँ इमाम हुसैन, बस ऐसे था, ऐसी वाक़ात जब याद आते हैं। मैं डॉक्टर हसन अब्बास हूँ, हुसैन अब्बास का मैं छोटा भाई हूँ, क्रिकेटर हुसैन अब्बास का, और उम्र में मुझसे वो तकरीबन लगभग एक साल बड़े थे, स्कूल में मुझसे एक साल आगे होते थे, और हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते थे, इकट्ठे वापस आते थे, एक बाइसिकल होता था हमारे पास तो ज़्यादातर तो वही चलाते होते थे, कभी कभार मैं भी चला लेता था। आर्मी के ऊपर तो जान देने के लिए तैयार होता था अपने मुल्क के लिए, हाँ ये बात थी उसमें, कूट कूट के ये जज्बा भरा हुआ था। दो तीन दिन पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज में गया हुआ था, उन लोगों ने भी सियाचिन में सर्व किया हुआ है, और उसमें लोग वो मेरे कोलीग्स हैं वो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से जो फौज के जवान थे जो उस पोस्ट के ऊपर थे बीमार हो गए, और किस तरह से उनके हाथों में उन लोगों ने शहादत नोश की, और वही बात के सर्दी की सख्ती जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कर सके, जो किसी न किसी वजह से जो मतलब है कि बाहर निकले और किसी को फ्रॉस्टबाइट हो गया, किसी को एडिमा हो गया, तो वो चीज़ें जो हैं वो किससे बहुत ज़्यादा हैं। पाक फ़ौज ने वहाँ पर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हुसैन अब्बास ने अपने टाइम के ऊपर अपने जवानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। तीन चार साल पहले एक ख्वाब आया था कि मैं गांव वाले घर के ऊपर वाली मंदिर में खड़ी हूँ, तो एक आसमान में झंडा बुलंद होता और सब जो है ना उसकी तरफ देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ और हुसैन भी देख रहा है, मेरे साथ सिर्फ हुसैन ही है उस जगह पे, और वहाँ पे मुझे साफ ही नज़र आता है कि वो पाक नाम भी हैं कुछ लिखे हुए आसमान में, तो मैं सोचती हूँ कि भला ये झंडा जो है ना ये किधर जाता है, तो अचानक वो झंडा आता है और हमारे घर में आके तो खड़ा हो जाता है उस जगह पे, तो ये बस उसका इजाज़ है कि फिर उसकी जो रेस्टिंग प्लेस है उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है।